सो गाइज, इस COVID-19 की वजह से क्या आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, शादी के लिए आपको पैसे जरूरत है, स्कूल फीस कॉलेज फीस देना चाहते हैं, या फिर आप किसी का उधार चुकाना चाहते हैं, होम रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फुलरटन इंडिया से, क्योंकि आपका भाई आपके लिए वन ऑफ इंडिया लीडिंग कंपनी लेकर आया जहां पर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको यहां पर क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप लेना चाहते हैं लोन तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कैसे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फुलरटन इंडिया से। फुलरटन इंडिया एक NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, तो आपके साथ यहां पर कोई फ्रॉड कोई धोखा नहीं होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चले जाना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं पर्सनल लोन फुलरटन इंडिया से, चलिए शुरू करते हैं। फुलरटन इंडिया से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा, सर्च बार में जाना होगा, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा फुलरटन इंडिया पर्सनल लोन। जैसे आप फुलरटन इंडिया पर्सनल लोन सर्च करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी, नीचे आप देख सकते हैं फुलरटन इंडिया इंस्टा लोन पर्सनल लोन ऐप, आपने इस पर क्लिक करना होगा या फिर एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप सीधा प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी फुलरटन इंडिया इंस्टा लोन पर्सनल लोन ऐप ऑनलाइन, आपने लोन लेने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। अगर हम बात करें डिटेल में इस कंपनी की, 25 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन दे सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है वो होता है केवल 11.99% पर एनम से। यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा वो मिलेगा 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का। प्रोसेसिंग फीस आपकी लेगी 0% से लेकर 6% तक, जितना भी लोन आप लेते हैं। यहाँ पर आपको 12 महीने से लेकर 60 महीने तक के लिए लोन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर लेते हैं 1,00,000 रुपए का लोन 11.99% पर एनम के इंटरेस्ट पर 24 महीने के लिए, तो आपकी EMI होगी 4,407 रुपए। ओवरऑल इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर देना होगा 12,965 रुपए। तो गाइस, लोन लेने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना होगा। जैसे एप्लीकेशन ओपन होगी इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, आपको अलाउ करना होगा, जितनी बार भी ये अलाउ करने के लिए बोले आपने इसको अलाउ करना है। उसके बाद आपने जो है स्क्रॉल लेफ्ट करना है इसको और गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक करना होगा। हम पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, सिंपली आपने पर्सनल लोन पर क्लिक करना है, प्रोसीड कर देना होगा। जैसे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। हाल ही में ये कंपनी केवल सैलरीड को लोन दे रही है, तो आपने सैलरीड पर क्लिक करना होगा, नीचे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर मैं डिटेल में बता देता हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे लोन लेने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर ये बोली कि भाई डॉक्यूमेंट्स में आपको एक तो फोटो यहाँ पर देनी होगी, आइडेंटिटी प्रूफ में आपको यहाँ पर पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पासपोर्ट इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लेटेस्ट सैलरी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देनी होगी प्रूफ ऑफ इनकम की, बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देनी होगी। पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी आप कुछ मिनट में यहाँ पर अपनी चेक कर सकते हैं, 12 महीने से लेकर 60 महीने तक के लिए आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। यहाँ पर मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपका 11.99% लगने वाला है, मैक्सिमम 23.99% आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, ठीक है। तो गाइस, लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर सैलरीड चूज करना है, मोबाइल नंबर डालना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। OTP मेरे पास आ चुकी है, चलिए OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे उसके बाद पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसके अंदर आपको आपका फुल नाम डालना है जो आपके पैन कार्ड के अंदर हो, आपके आधार कार्ड के अंदर हो। उसके बाद नीचे आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है आप। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है जो आपके पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के अंदर हो। करंट एड्रेस पिन कोड आपको नीचे डाल देना है। आपकी नेट मंथली इनकम कितनी है आपको यहाँ पर वो डालनी है। आपकी करंट EMI अगर कोई चल रही है, पहले से कोई लोन चल रहा है, उसकी EMI कितनी है आपने नीचे वो डाल देनी है। नीचे आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो सैलरी है वो आप अपने बैंक में लेते हैं या फिर आप कैश से लेते हैं, ठीक है। जो भी है इनमें से आपने चूज करना है कोई एक, और अनलॉक योर ऑफर पर आपने क्लिक करना होगा। तो गाइस, जैसे आप ये सारी डिटेल कंप्लीट फिल करेंगे उसके बाद आपने अनलॉक योर ऑफर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अनलॉक योर ऑफर पर क्लिक करेंगे तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं, मुझे यहां पर ये बोल ले कि भाई आप 5,12,000 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल है। मैं यहां पर मिनिमम 50,000 रुपए के लोन, मैक्सिमम 5,12,000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूं। ये लोन मुझे मिल सकते हैं 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने और 60 महीने तक के लिए। यहाँ पर ये मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई अगर आप 5,12,000 रुपए का लोन लेते हैं 48 महीने के लिए, तो 15,040 रुपए की आपकी EMI होने वाली है। इंटरेस्ट रेट आपका स्टार्ट हो जाएगा केवल 1.51%
पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी लोन अमाउंट चूज करनी है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर जो है इसको 50,000 रुपये कर देता हूँ, 12 महीने के लिए इसको कर देता हूँ अभी, ठीक है। और गो हेड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप गो हेड पर क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिल चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट फिल करनी होगी, यानी नीचे आपको यहाँ पर बताना है अपना मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन आपको चूज करनी है, पर्सनल ईमेल एड्रेस अपना यहाँ पर डाल देना है, करंट एड्रेस अपना कंप्लीट सही से डाल देना है, परमानेंट एड्रेस सही से डाल देना है। नीचे आपसे पूछ रहा है कि भाई करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपने सेम पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर बताना है कि आप इस जगह पर कब से रह रही है जो आपने यहाँ पर अभी एड्रेस दिया है, और सबसे नीचे आपको पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। रेजिडेंस टाइप में आपको चूज करना है कि आप जिस घर में रहते हैं आपके खुद का है, किराए का है, जो भी आपने चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पेज के अंदर गाइज आपको यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम डाल देना है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको यहाँ पर चूज करना है आपकी कंपनी किस टाइप की है। उसके बाद आपका करंट एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना होगा, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए वरना रहने दीजिएगा, ये ऑप्शनल में है। नीचे आपको डालना है कि आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी डिटेल आपने सही से फिल करनी है। सेव एंड प्रोसीड पर आपने क्लिक करना होगा। जैसे आप इसको प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको इंस्टेंटली ऑफर मिलेगा। अगर आपको ऑफर मिलता है तो आपने लोन एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे। जैसे आप अपनी लोन एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर आपको अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल मिलने के बाद आपके लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको ये दे देंगे ई साइन एग्रीमेंट करने के बाद। तो आप इस तरीके से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फुलरटन इंडिया पर्सनल लोन ऐप से, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, लोन अप्लाई कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।